यूपीएससी के प्रेपरेशन एक लंबा प्रोसेस है। इस दौरान कई बार उम्मीदवार को एक्साइटमेंट की फीलिंग भी आती है तो कई बार निराशा भी होने लगती है, और कई बार तो उसे ये पता ही नहीं होता कि उसकी तैयारी सही दिशा में चल भी रही है या नहीं। वो तो बस अपने सेट किए हुए रूटीन से अपनी पढ़ाई करता रहता है, तो उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है, और परीक्षा के दिन उसकी कमियां जब एक एक करके उसके सामने आने लगती हैं तो उसे एक झटका ही लगता है कि अरे यार पूरा साल बर्बाद कर दिया। तो यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ इवैल्यूएशन को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि आखिर इस पर आपका भविष्य टिका है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की राह में कैसे जाने मेरी प्रेपरेशन सही दिशा में चल रही है या नहीं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपकी तैयारी की स्पीड को भी एनालाइज कर सकते हैं, आप किन टॉपिक्स पर अटक रहे हैं और कौन से टॉपिक्स आपने पूरी तरह से कवर कर लिए इसका पता लगा सकते हैं, और इन सब के बाद आप अपनी प्रेपरेशन में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेल्फ असेसमेंट किया कैसे जाए, तो इसका एक बेहद आसान सा तरीका है क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, अपनी तैयारी के दौरान आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज जरूर लेने चाहिए, लेकिन आपका सेल्फ असेसमेंट का जो प्रोसेस है यहीं तक खत्म नहीं होता। टेस्ट लेने के बाद आप क्वेश्चंस को छोटे छोटे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लें। जैसे पहले आप क्वेश्चंस को अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा में डिवाइड कर लें, फिर इन सब टॉपिक्स में इन्हें डिवाइड कर लें। जैसे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस को आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशरी एक्सेट्रा इस तरह से बांट सकते हैं। अब ये देखिए कि आपने हर सब सेक्शन में कितने सवाल सही किए हैं, कितने सवाल आपके गलत हैं, और कितने सवाल आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सके, और ये भी नोट करें कि कितने सवालों के जवाब आपने गेस किए थे। एक बार जब आपने ये सेल्फ एनालिसिस पूरा कर लिया, फिर उन सभी सब सेक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज में नोट कर लें, किस सब सेक्शन में आपने सबसे अच्छा स्कोर किया, किस में आपने सबसे ज्यादा सवाल गलत किए हैं, और कितने सब सेक्शंस के सवाल आपने गेस किए, और कितने सब सेक्शन में आपके सवाल ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो इस डिविजन के बाद आपको वास्तविकता का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ मार खा रही है और किन टॉपिक्स पर आपने कमांड कर लिया है। इसके अलावा सवालों को हल करते रहने से आपके सवालों के नेचर का भी आपको अंदाजा हो जाएगा, जो परीक्षा में बहुत काम आएगा आपके। अब अगला कदम है गलतियों के कारण का पता लगाना। जो सवाल गलत हुए वो इसलिए गलत हुए कि आपको उनके जवाब नहीं पता थे, या फिर इसलिए गलत हुए कि आपने बिना पूरा समझे ही जवाब अटेम्प्ट कर दिए। इसी तरह जिन सवालों को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए उनके भी कारण तलाशिए। क्या आप समय की कमी के कारण उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, या फिर आपको उनके जवाब पता ही नहीं थे। तो इसके बाद ही आपको ये पता चल सकेगा कि गलती पढ़ाई में हो रही है या एग्जाम के एनवायरनमेंट से कोप करने में। अब अगला स्टेप है अपनी रणनीति में बदलाव करना। तो आपने जो अपने वीक हैं और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बाद आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जो गलतियां हुई या जो हो रही हैं उनको दूर किया जाए। यदि आपकी पढ़ाई में कमी हो रही है तो आपको वीक एरियाज पर ज्यादा समय देना चाहिए, और यदि आप परीक्षा के माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा टेस्ट लेने चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि यूपीएससी की तैयारी में सेल्फ असेसमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और यदि आप इस टेक्निक का सहारा रेगुलरली लेते रहेंगे तो आपको तैयारी में जो कमियां आ रही हैं वो समय रहते पता चल सकेंगी और आप उनको समय रहते दूर कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।